हेलो प्रिंस, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। और यह जो नोटिस है वह झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को लेकर के है। आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस है और ये जो डेट है वह 20/7/2022 का, यानी कि आज ही का डेट है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि एक्साइज कॉन्स्टेबल का जो फॉर्म फिलअप भरे थे उनको लेकर के है। तो यहाँ पर क्या है वो सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है कि ये जो आवेदन था वह 25/2/2022 से दिनांक 10/4/2022 की मध्यरात्रि तक प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है 25 फरवरी से लेकर के आपका 10 अप्रैल तक में आपका फॉर्म फिलअप हो गया था, आपका जो डेट दिया था उसमें। उसके बाद है यहाँ पर कि आवेदकों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यथास्थिति फोटो हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदक की अभ्यर्थी रद्द कर दी जाती है और इसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर पहले ही फॉर्म में बताया गया था कि आप लोगों को पहले फोटो सिग्नेचर साइन करना, अपलोड कर लेना है। ये अगर ये सब नहीं करते तो आप लोगों का ऑटोमेटिक यहाँ पर रद्द हो जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसके बाद में आगे क्या है ये भी देख लेते हैं। तो उस सूचना एवं सुविधा के बावजूद 25,338 आवेदकों द्वारा आवेदन के प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,333 कैंडिडेट जो हैं, यानी कि 25,000 से भी देख सकते हैं आप कि उतने कैंडिडेट जो हैं वे लोग प्रथम चरण को भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। वो परीक्षा शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया है 25,000 कैंडिडेट्स के द्वारा। उसमें से 17 आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा जो अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोटि में संशोधित किए गए, परंतु उक्त अभ्यर्थी ने संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क अंतर राशि का भुगतान नहीं किया। और इसमें से जो है 25,000 से तो ज़्यादा लोगों के बाद में जो 17 है कैंडिडेट्स उसको जो है वे लोग STSC से रिलेटेड हैं उन लोगों का, उसको इस प्रकार से इसको चेंज कर दिया था। लेकिन उन लोगों को जो चेंज होने के बाद में जितना भी पैसा लगना था वो लोगों का वो भुगतान नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से है, तो इन सभी का जो है आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं 25,338 और यहाँ पर 17, तो टोटल जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 25,000 से आप लोगों का कैंडिडेट्स लोगों का जो है कैंसिल हो गया है फॉर्म। और यहाँ पर आप लोग जो है प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं करने तथा 50% को भुगतान नहीं करने वाले क्योंकि आवेदन संख्या का आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स नहीं भरे थे वे लोग ही अपना रोल नंबर को मैच कर सकते हैं, या तो फिर वैसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका कैंसिल नहीं हुआ वे लोग भी अपना रोल नंबर को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक से भी आपका रोल नंबर दे दिया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नीचे तक देखिए आप लोग अपना जो है रोल नंबर को मिला सकते हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उसको, और नीचे में जो क्या नोटिस है उसको भी देख लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हुई हैं, 25,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया है आवेदन फॉर्म, यानी कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, क्योंकि वे लोग पूरा प्रोसेस नहीं किए थे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से इतना ज़्यादा रहा है रोल नंबर, 25,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का इस प्रकार से हुआ है। तो आप लोग अब देख सकते हैं, ये देखिए टोटल यहाँ पे दिखने 25,338 कैंडिडेट्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया, उसके साथ में यहाँ पे 17 जो थे वे लोगों का भी यहाँ पे आवेदन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया। अब नीचे क्या कहा गया है, तो फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु 21/7/2022 से 27/7/2022 तक ऑनलाइन प्रविष्टि करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके उपरांत फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द करने पर आयोग विचार करेगी। तो यहाँ पर जो है फोटो और सिग्नेचर जो भी नहीं किए थे यहाँ पे अपलोड वो लोगों को अब लास्ट मौका एक दिया जा रहा है बोर्ड की ओर से, उनको जो है 21/7/2022 से लेकर के 27/7/2022, यानी कि 7 दिन का आप लोगों के पास जो टाइम है 7 से 8 दिन का, तो ये है 21/7 से लेकर के 27/7 तक वो तब तक आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन प्रविष्टि की सुविधा मिल जाएगी। तो इसमें आप लोग फोटो अपलोड कर लेंगे, और इसमें भी नहीं करते हैं तो उनको फिर तो टोटल कैंसिल ही कर दिया जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर बोर्ड का कहना है। तो देखिए यहाँ पर जो है JSSC की ओर से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आप लोग जो है ये जो इम्पोर्टेंट डेट है ये डेट उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, और इन दोनों जो डेट दिया गया है उसके बीच में आप लोगों को फिल कर लेना है आपका फोटो और सिग्नेचर को, ये आप लोगों के पास लास्ट मौका है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर रहा है कि 25,338 और 17 इतने सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है, उन लोगों को अब एक और मौका मिल रहा है तो वे लोग अपना सारा चीज़ को कर लेंगे। तो यही एक बड़ा और इम्पोर्टेंट नोटिस है JSSC की ओर से। हो सकता है इसके बाद में बहुत जल्द जो है पहले फिजिकल का डेट निकाल दिया जाएगा, उसके बाद में फिर आप लोगों का रिजल्ट होने के बाद फिर आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट के बाद में फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर फिजिकल होगा, उसके बाद में फिर आपका रिजल्ट के बाद जो है यहाँ पर एग्ज़ाम लिखा जाएगा और फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो ये आप लोगों का जो डेट दिया गया उस डेट के अंदर में आप लोगों को सारी चीज़ें कर लेनी है। तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट नोटिस है, जितने भी कैंडिडेट जो भरे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 वे लोग इसको ध्यान रखेंगे और अपना जो है रोल नंबर को मिला लें